अलैकुम जी, आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो मटर पुलाव में हमें क्या क्या चाहिए बताती हूँ आपको। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, जो जिन्हें मैंने 25 मिनट पहले भिगो दिया था। भिगोने से चावल आपका अच्छा बनता है और जल्दी बनता है। और मटर है हमारे पास आधा किलो मेरे पास मटर है। ये मैंने फ्रीज लिए हैं, हुए हुए लिए हैं, आप बेशक फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक है 1 टेबल स्पून और जंजर है 1 टेबल स्पून। सोया है मेरे पास 1/2 कप, आप सोया का ले लेना। और इसके अंदर टमाटोज़ हैं, जो मैंने 3 टमाटोज़ लिए हैं जो मीडियम साइज़ के हैं। प्याज है हमारे पास, मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली हैं, ऑनियन लिए। और इसमें चिल्ली है हमारे पास, ग्रीन चिल्ली 4 से 5 ग्रीन चिल्ली हो गई, और 3 ये मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ की ऑनियन। अच्छा, अब स्पाइसेस के अंदर आ जाते हैं। गरम मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने, और 2 मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं स्टॉक्स की, ये डालेंगे इसके अंदर। सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से डालना, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट होगा तो कहीं डबल ना हो जाए, तो चेक कर लीजिएगा नमक अपनी मर्ज़ी से। और ज़ीरा है मेरे पास, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिए है। सौंफ है 1 टेबल स्पून भर के लिए। कोरिएंडर पाउडर है हमारे पास 2 टेबल स्पून भर के। और इसमें मैंने 3 से 4 मैंने मेरे पास ये दालचीनी है, क्यूमिन वो है, तो स्टिक्स इस ये डाल देंगे हम 3। तो आगे बताती हूँ मैं आपको क्या करते हैं। ऑयल हमें चाहिए बनाने के लिए 3 सर्विंग स्पून। तो आए बनाते हैं जी। मैंने इसमें 3 सर्विंग स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हमने ब्राउन कलर का करना है, गोल्डन कलर का। और इसमें ही मैं गार्लिक और जंजर दोनों चीज़ें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब इसको ब्राउन कलर का करते हैं, जब तक फर्स्ट कलर का चेंज होता है इसका, तो फिर मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखें गोल्डन कलर की होने लग गई प्याज, जब तक मैं इसमें ज़ीरा डालती हूँ और सौंफ डालती हूँ और सॉल्ट नमक। आप बेशक प्याज ब्राउन करते हुए मिला दें, उससे ये होता है कि आपके जो इसके मसाले की वो है, मतलब प्याज जल्दी ब्राउन हो जाती है। नमक अगर हम पहले डाल देंगे तो साथ ही प्याज के, तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगी गोल्डन कलर की। ये सौंफ डाल दी है मैंने, इसमें सारी चीज़ें डाल देती हूँ। गर्म मसाला है, कोरिएंडर है, सब चीज़ें इसमें चली गई। इसको ज़रा से फ्राई करेंगे ताकि सारी चीज़ें रोस्ट हो जाएँ अच्छी तरह। 2 मिनट इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट सारे मसालों को फ्राई करने के बाद मेरे पास ये जो है ये डाल दिया। ये कितना इसमें फ्राई हो जाएगा। सोया डाल दिया हमने इसके अंदर, और ये 2 चिकन क्यूब्स यूज करिए चिकन की। टमाटर डाल देते हैं, 3 टमाटर हैं इसमें मीडियम साइज के। हरी मिर्ची चली गई, देखें टमाटर जरा से दब जाएं। 2 मिनट फ्राई करने के बाद टमाटर जरा ना दब जाएंगे, तो फिर आप इसके अंदर अपना पानी मिक्स कर दें। पानी आपने अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी डालना है आपने, इस हिसाब से पानी डालें। मेरे पास 3 गिलास है तो मैं 6 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ, बल्कि सॉरी 5 डाल रही हूँ, क्योंकि चावल भिगोए हुए हैं तो भिगोए हुए चावल जल्दी हो जाते हैं। अगर भीगे हुए चावल नहीं है तो पानी फिर आप उतना ही डालें। मटर डाल देते हैं, चावल डाल दिए हमने।
मटर आप फ्राई करने में भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने में उसका ज़रा कलर ख़राब हो जाएगा, अगर ज़रा बाद में डालेंगे तो उसका कलर सही रहेगा। अब इसे उस पर आप अपना नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक इसमें कितना है, कम है तो और डाल दीजिएगा। अब इसको कवर कर रही हूँ, पहले हाई फ्लेम पे करूँगी ताकि इसमें जैसे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये उबाले आएंगे इसमें, तो मैं इसकी जो है फ्लेम है वो स्लो कर दूँगी, मीडियम पे कर दूँगी। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे रखती हूँ, फिर उसके बाद इसका फ्लेम कम कर दूँगी। देखिए अब इसमें वो उबाला आने लग गया है, तो अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो मैं मीडियम, लो टू मीडियम पे कर दूंगी, ताकि ये जो चावल है हमने इसको 80% अब इसी पानी में गलाना है, इससे चावल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे। तो अभी मैंने इसका जो चूल्हा है वो हल्का कर रही हूँ मैं। देखें हो गए चावल, अब मैं इसकी आँच जो है दम पे इनको रख देते हैं, दम पे मतलब बिल्कुल हल्की लो पे ना इसको हम कुक करते हैं। तो 10 मिनट में ये देखें ऐसे हुए हैं, अब इसको 10 मिनट के लिए दम पे ही हम इसको रख देते हैं, मतलब 80% तक ये चावल हमारा गल गया है। 80% आपको ऐसा नज़र आना चाहिए, ये देखें कि बीच में आपको लगे कि चावल के ये है ना, अब इसके चावल को जब आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये देखें ये दाना है बीच में, ये दाना है, ये दाना अब जो है बाकी दम पे सही हो जाएगा, मतलब इसका मतलब है कि 80% हो गए हैं, बाकी जो है वो दम पे चावल रेडी हो जाएंगे। तो मैं इसको अब दम पे रख रही हूँ, फिर मैं आपको कम्प्लीट होकर दिखा रही हूँ। देखिए जी चावल हो गए, दम लग गया है इन्हें सही तरह। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ, फ्लेम इसका ऑफ कर देती हूँ और इसका अब कवर हटा देते हैं, ताकि फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी मैंने इसको निकाल लिया है चावलों को, और इसको मैंने गार्निश किया है इसके सोया के साथ। सोया को मैं आपको दिखा भी दूँ, मैंने कहा कि इसे डिल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और उर्दू में आई थिंक सोया कहते हैं इसको। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको चावल कैसे लगे हैं और पुलाव कैसा लगा है। ये दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, और लाइक करें, थम्स अप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।